أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم دوستو میں ہوں محسن دفعہ اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں 24 آر 7 ٹیچرز آن لائن دوستو ہماری ڈیٹا کمیونیکیشن کی کلاس چل رہی ہے اور آج اس سیریز کا ہمارا تیسرا لیکچر ہے دوستو آج کی کلاس میں ہم لوگ اپنی جو ڈسکشن ہے جہاں پہ ہم نے کلاس 2 کے اندر ختم کی تھی نیٹ ورکس کے اوپر फिज़िकल नेटवर्क स्ट्रक्चर के ऊपर वहीं से शुरू करेंगे और आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे नेटवर्क टोपोलॉजीज के हवाले से। दोस्तों आज की क्लास शुरू करने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि हमने पिछली क्लास के अंदर क्या चीज़ें पढ़ी थी। दोस्तों पिछली क्लास के अंदर हम लोगों ने डेटा रिप्रेजेंटेशन के हवाले से पढ़ा था कि हम मुख्तलिफ डेटा को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ बिट्स, इन द फॉर्म ऑफ पिक्सल एंड इन द फॉर्म ऑफ यूनिक बिट पैटर्न के ऊपर, और कैसे वो डेटा ट्रेवल होके या उसका डेटा फ्लो क्या होता है। उसके अंदर भी हमने तीन किस्म के फ्लो देखे थे। दोस्तों इसके बाद हम लोगों ने नेटवर्क्स की बात की थी और हमने फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ आर नेटवर्क देखा था। दोस्तों आज की क्लास में जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि हम लोग बात करेंगे नेटवर्क्स के ऊपर ही, और उसके साथ ही हम लोग देखेंगे नेटवर्क टोपोलॉजीज के हवाले से कि नेटवर्क टोपोलॉजीज बेसिकली क्या होती हैं। उसमें हमने मैश टोपोलॉजी की बात करेंगे, उसमें हम स्टार टोपोलॉजी की बात करेंगे, उसमें हम बफ टोपोलॉजी की बात करेंगे और उसमें हम रिंग टोपोलॉजी की बात करेंगे। तो चलिए हम आज की क्लास की इब्तदा करते हैं और सबसे पहले ये देख लेते हैं कि नेटवर्क टोपोलॉजी से मुराद क्या है। दोस्तों द फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर इज नोन एज द टोपोलॉजी, कि जो हमारे कंप्यूटर की डिफरेंट अरेंजमेंट्स हैं उनको हम टोपोलॉजी कहते हैं। अब मुख्तलिफ किस्म की हमारे पास टोपोलॉजी अवेलेबल हैं। दिस अरेंजमेंट कैन बी डन थ्रू लिंक्स एंड होस्ट आर नोड। अब ये जो टोपोलॉजी क्रिएट हो रही हैं ये हमारी होस्ट से या नोड से क्रिएट होती हैं विद द हेल्प ऑफ यूजिंग द लिंक्स। लिंक्स के बारे में हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, होस्ट के बारे में भी पढ़ चुके हैं और मैंने आपको वहां पे लिंक भी कैलकुलेट करना सिखाया था। द कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट लिंक इज ऑल्सो मेक अ टोपोलॉजी। जब बहुत सारे जो है लिंक्स मिल जाते हैं तो उससे एक टोपोलॉजी क्रिएट होती है। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ टोपोलॉजीज, हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की टोपोलॉजीज अवेलेबल हैं, जिनमें हमारे पास सबसे पहले मैश टोपोलॉजी है, उसके बाद हमारे पास स्टार टोपोलॉजी है, फिर हमारे पास बस टोपोलॉजी है और फिर हमारे पास रिंग टोपोलॉजी है। तो दोस्तों अब हम बारी बारी जो है इन टोपोलॉजीज को देख लेते हैं। हम सबसे पहले देखेंगे कि मैश टोपोलॉजी क्या होती है। इन अ मैश टोपोलॉजी एवरी नोड हैव अ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन विद डिफरेंट नोड, के आपके पास एक डेडिकेटेड लिंक होता है बिटवीन नोड्स, और पॉइंट टू पॉइंट टेक्नोलॉजी यूज की जाती है। ये पॉइंट टू पॉइंट और मल्टी पॉइंट के बारे में जो है हम पिछले लेक्चर के अंदर पढ़ भी चुके हैं। तो दोस्तों ये कुछ कंप्यूटर्स आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहे हैं और ये हमारे पास 6 कंप्यूटर हैं। दोस्तों इनके अंदर जो है वो पॉइंट टू पॉइंट जो है वो कनेक्शन होता है। अभी जो है इसको मैं आपको दिखाऊंगा अभी कि कैसे पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होता है। हम यहाँ पे देख लेते हैं कि ये हमारे पास देखें टोटल नोड या होस्ट जो है वो हमारे पास 6 हैं। अब हमने इससे कैलकुलेट करने हैं लिंक के हमारे पास कितने लिंक रिक्वायर्ड हैं इन सारे कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए, टू मेक अ मैश टोपोलॉजी, एक मैश टोपोलॉजी बनाने के लिए। दोस्तों लिंक्स को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो है एक फॉर्मूला है, वो है एन इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाय टू। अब ये एन क्या है, एन जो है वो नोड या नंबर ऑफ कंप्यूटर्स को रिप्रेजेंट करता है। तो हम यहाँ पे जो है लिखा एन सिक्स इंटू सिक्स माइनस वन और डिवाइडेड बाय टू, तो सिक्स माइनस वन जो है वो फाइव आता है, और जब हमने फाइव को मल्टीप्लाई किया सिक्स के साथ तो वो हमारे पास थर्टी आ गया, और थर्टी को हमने डिवाइड किया टू के साथ तो हमारे पास जो है टोटल लिंक्स आ गए 15। अब ये टोटल लिंक्स जो है
इनकी मदद से ये जो है मैश टोपोलॉजी की शक्ल अख्तियार करेगा। अब देखें इसमें पहले इस कंप्यूटर से इस कंप्यूटर तक ये एक लिंक है या पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है। इसके बाद आगे इस कंप्यूटर के साथ देखें, इस कंप्यूटर से इस कंप्यूटर के साथ है। इसके बाद इस कंप्यूटर से इसके साथ ये हमारा तीसरा लिंक है। इसके बाद इस कंप्यूटर से इस कंप्यूटर के साथ ये हमारा चौथा लिंक है। इसके बाद इस कंप्यूटर से इस कंप्यूटर तक ये हमारा पांचवा लिंक है। इसके बाद इस कंप्यूटर से इस कंप्यूटर तक ये हमारे छह लिंक्स हो गए। इसके बाद दोस्तों अब ये देखें, इस कंप्यूटर का ना सिर्फ इस और इस कंप्यूटर के साथ कनेक्शन है बल्कि इसका इसके साथ भी कनेक्शन है, तो ये हमारा सातवा लिंक है। और इस कंप्यूटर का इसके साथ भी कनेक्शन है ऊपर, तो ये हमारा आठवां लिंक हो गया। और इसके साथ इसका भी कनेक्शन है, तो ये हमारा नौवां लिंक हो गया। अब उसके बाद हम इस कंप्यूटर को अगर देखें तो इस कंप्यूटर का यहाँ पे देखें, इस कंप्यूटर के साथ भी ये दसवां है। इसके बाद ये देखें, ये हमारे पास ग्यारहवां है। इसके बाद अगर हम देखें तो इस कंप्यूटर का इस कंप्यूटर के साथ भी लिंक है, ये हमारा बारहवां कनेक्शन है। इसके बाद इस कंप्यूटर का इस कंप्यूटर के साथ भी ये तेरहवां कनेक्शन है। इस कंप्यूटर का इस कंप्यूटर के साथ भी है, ये चौदहवां कनेक्शन है। और इस कंप्यूटर का इस कंप्यूटर के साथ भी कनेक्शन है। और इस तरीके से ये हमारे पंद्रह लिंक्स हो गए जो हमने कैलकुलेट किए थे। दोस्तों ये है हमारे पास एक मैश टोपोलॉजी की सूरत हाल या मैश टोपोलॉजी, जिसके अंदर पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होते हैं और सारे जो कंप्यूटर्स हैं वो आपस में कनेक्टेड होते हैं। इसके बाद दोस्तों अगर हमने इसकी नॉड्स फाइंड करनी हो कि कितनी नॉड्स होंगी, अब यहाँ पे देखें इस पीसी को अगर हम देखें तो इसके साथ एक ये यहाँ पे केबल अटैच हो रही है, एक यहाँ पे अटैच हो रही है और तीन ये अटैच हो रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हमारे पास जो फॉर्मूला दिया गया है n-1, तो हमारे पास n जो है वो फिक्स हैं और -1 तो पांच जो हैं वो हमारी नोड्स होंगी। और यहाँ पे देखें तीन कनेक्शन ये हैं, एक ये ब्लैक वाला, एक ये ब्लैक वाला, तो टोटल हमारे पास ये फाइव होल या फाइव नोड चाहिए जिनके साथ हमारे ये जो कनेक्शंस आ रहे हैं डिफरेंट कंप्यूटर्स के ये कनेक्ट होंगे। अब यहाँ पे देखें तीन ये वाले हो गए और दो ये वाले, तो ये हमारे पास फाइव नोड्स हो गए। दोस्तों जब हम मैश टोपोलॉजी यूज करते हैं तो इसके सर्टन एडवांटेजेस भी होते हैं, हम वो भी साथ डिस्कस कर लेते हैं। इसका जो पहला फायदा है वो है डेडिकेटेड लिंक बिटवीन डिवाइसेस, कि इन डिवाइसेस के दरमियान एक डेडिकेटेड लिंक है और डेटा जो है उस लिंक के थ्रू एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस के साथ कम्युनिकेट करेगा। इसका जो दूसरा एडवांटेज है वो ये है कि रोबस्ट आपकी टोपोलॉजी है, वन फेल लिंक नॉट अफेक्ट अदर, कि ये जो आपकी मैश टोपोलॉजी बनी हुई है इसके अंदर कोई कनेक्शन जो है वो फेल हो जाता है, लिंक फेल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि ये लिंक जो है इस कंप्यूटर से इस कंप्यूटर के दरमियान फेल हो गया, तो अब हमारा बाकी का जो नेटवर्क है, बाकी की जो टोपोलॉजी है वो वर्क करती रहेगी और हम इसको ठीक कर लेंगे। इसके बाद जो तीसरा फायदा है वो है फॉल्ट आइडेंटिफिकेशन इज वेरी इजी, चेक फॉल्ट लिंक। अब इसके अंदर हमारे पास कहीं पे कोई फॉल्ट आ गया तो उसकी जो आइडेंटिफिकेशन है वो भी आसान होती है इन अ मैश टोपोलॉजी। तो हम जो है यहाँ पे देख लेते हैं कि ये जो हमारा इस कंप्यूटर से इस कंप्यूटर तक कनेक्शन है वो ब्रेक हो गया, अब यहाँ पे फॉल्ट आ गया, तो हम आसानी के साथ जो है सारे लिंक्स को चेक करके यहाँ पे बिल्कुल आसानी के साथ पहुंच जाते हैं कि यहाँ पे जो है वो एक फॉल्ट है, हम उसको ठीक कर लेते हैं। तो इसमें जो फॉल्ट ऑफ आइडेंटिफिकेशन है वो बिल्कुल आसान है। दोस्तों जहां पे मैश टोपोलॉजी के फायदे हैं वहां पे उसको इस्तेमाल करने के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। उसमें पहला जो है लॉट ऑफ लिंक्स आर रिक्वायर्ड, और केबल्स की सूरत में भी आपकी केबल्स भी देखें यहाँ पे 15 आपको लिंक रिक्वायर्ड हैं और हर जो है कंप्यूटर के साथ 5 आपको नोड्स की जरूरत है टू कनेक्ट दी फिक्स कंप्यूटर। और इसमें देखें आपके पास केबल्स भी बहुत ज्यादा यूज हो रही हैं। इसके बाद जो दूसरा इसका डिसएडवांटेज है वो है रिसोर्सिस वेस्ट, कि आपके जो रिसोर्सिस हैं इन शेप ऑफ केबल्स, इन शेप ऑफ नोड्स, वो भी आपके वेस्ट हो रहे हैं। तो दोस्तों ये है हमारी पहली टोपोलॉजी। इसके बाद हमारी जो दूसरी टोपोलॉजी है
वो है स्टार टोपोलॉजी। अब स्टार टोपोलॉजी क्या होती है? अ स्टार नेटवर्क इज एन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्पोक हब डिस्ट्रीब्यूशन पैराडाइम इन अ कंप्यूटर नेटवर्क, कि ये आपका स्पोक हब डिस्ट्रीब्यूशन है के दरमियान के अंदर एक हब अटैच होता है और फिर सारे कंप्यूटर उसके साथ अटैच होते हैं, और ये अभी मैं आपको दिखाने भी वाला हूँ। इन स्टार टोपोलॉजी एवरी नोड हैव सिंगल डेडिकेटेड लिंक, और हर जो कंप्यूटर है उसके साथ एक सिंगल डेडिकेटेड लिंक होगा। अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास ये दरमियान के अंदर हब है, और इस हब के साथ ये एक कंप्यूटर अटैच हो गया, उसके साथ फिर ये दूसरा कंप्यूटर अटैच हो गया, उसके साथ ये फिर तीसरा कंप्यूटर अटैच हो गया, उसके साथ फिर ये चौथा, उसके साथ ये पांचवा, और उसके साथ ये छठा कंप्यूटर अटैच हो गया। तो ये एक हमारे पास स्टार टोपोलॉजी बन गई। अब देखें दोस्तों, इसके अंदर जब हम स्टार टोपोलॉजी यूज करते हैं तो वहां पे भी हमें कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हासिल होते हैं, हम उनको भी देख लेते हैं। अब यहाँ पे इसका पहला जो फायदा है वो है नंबर ऑफ नोड्स आर होल इज लेस, कि आपकी जो नंबर ऑफ नोड्स हैं, अब देखें हमारी जो पिछली टोपोलॉजी थी जिसके अंदर हम देख रहे थे मैश टोपोलॉजी के अंदर, उसके हर पीसी के साथ हमें 5 नोड्स की जरूरत थी, लेकिन यहाँ पे देखें यहाँ पे एक हब है और उसके साथ हमें 6 नोड की जरूरत है, ओनली 6 नोड, जहां पे पिछले मैश टोपोलॉजी के अंदर हर पीसी के साथ हर होस्ट के साथ हमें जो है 5 नोड्स की जरूरत थी, लेकिन यहाँ पे ओनली हमें 6, एक तो नंबर ऑफ नोड्स कम हो गई हैं, और दूसरा जो इसका सबसे बड़ा फायदा है वो फॉल्ट आइडेंटिफिकेशन इज वेरी इजी। इसमें भी फॉल्ट आइडेंटिफिकेशन जो है वो आसानी के साथ आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, इस पीसी को अंदर फॉल्ट आ गया तो बाकी आपका नेटवर्क काम करता रहेगा, आप इसको ठीक कर लें। उसके साथ अगर हम तीसरा इसका फायदा देखें तो लेस केबल रिक्वायर्ड, आपका जो केबल्स का स्ट्रक्चर है वो वहां पे 15 लिंक्स थे, आपके पास 15 केबल रिक्वायर्ड थी, और यहाँ पे सिर्फ आपको 6 केबल्स चाहिए टू कनेक्ट दीज डिवाइसेस टू द हब, हब के साथ कनेक्ट करने के लिए। इसके बाद आपके पास आखिरी जो फायदा है वो मल्टी टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंटेड, अब पिछली जो था वो हमारा पॉइंट टू पॉइंट जो है टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट हो रही थी, यहाँ पे मल्टी है कि एक डिवाइस दरमियान में रखी हुई है सेंट्रल, और उसके साथ फिर बाकी के सारे कनेक्ट हैं। तो दोस्तों ये हमारे पास है जी दूसरी टोपोलॉजी जिसको हम स्टार टोपोलॉजी कह रहे हैं। इसके बाद अगली जो है वो हमारे पास बस टोपोलॉजी है। अब वो क्या होती है? अब बस नेटवर्क इज अ नेटवर्क टोपोलॉजी इन विच नोड्स आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू अ कॉमन हाफ डुप्लेक्स लिंक कॉल्ड बस। अब ये हाफ डुप्लेक्स के बारे में भी मुझे ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हाफ डुप्लेक्स जो है हम पीछे पढ़ चुके हैं डेटा फ्लो के अंदर, वहां पे हमने सिंपल लिंक पढ़ा था और हाफ डुप्लेक्स और फिर फुल डुप्लेक्स। तो यहाँ पे हाफ डुप्लेक्स के साथ कनेक्टेड होती हैं एक केबल के साथ, तो इसकी भी रिप्रेजेंटेशन मैं आपको दिखाने लगा हूं। ये देखें, ये हमारे पास एक केबल है, और ये केबल जो है आपकी फाइबर ऑप्टिक भी हो सकती है, आपकी कोएक्सियल केबल भी हो सकती है। ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है और ये इसका एंडिंग पॉइंट है। अब इसके साथ देखें, हमारा सबसे पहला एक कंप्यूटर कनेक्ट है और यहाँ पे एक नोड है, इसके बाद हमारा दूसरा कंप्यूटर कनेक्ट है इसके साथ, फिर हमारा तीसरा कंप्यूटर कनेक्ट है, इसकी तरह हमारा चौथा कंप्यूटर कनेक्ट है, और इसी तरह आखिरी 5वां कंप्यूटर कनेक्ट है। अब ये देखें, इसके अंदर हमने पढ़ा है कि हाफ डुप्लेक्स है, कि एक ही वक्त के अंदर जो है एक जो है कंप्यूटर या तो डेटा ट्रांसफर कर सकता है। अगर ए ने बी को ट्रांसफर करना है तो वो सबसे पहले इसको ए को इस लाइन के ऊपर ट्रांसफर करेगा और फिर बी को रिसीव होगा। जब बी को रिसीव हो जाएगा फिर ही कोई दूसरा कंप्यूटर जो है वो इस लाइन के ऊपर डेटा ट्रांसफर कर सकता है। तो इसलिए ये हाफ डुप्लेक्स है, मतलब इस पर डेटा आ भी सकता है और जा भी सकता है, लेकिन सेम टाइम के ऊपर ऐसा कुछ नहीं हो सकता। इसके बाद दोस्तों, जब हम बस टेक्नोलॉजी यूज करते हैं तो उसके भी कुछ सर्टन एडवांटेजेस हैं। उसमें पहला जो फायदा है वो है 1 लिंक रिक्वायर्ड टू कनेक्ट ऑल डिवाइसेस। हमने पीछे जो स्टार टोपोलॉजी पढ़ी है और जो मैश टोपोलॉजी पढ़ी है उसके अंदर हमने देखा था कि हमें डिफरेंट जो है वो कनेक्शन रिक्वायर्ड होते थे, लेकिन यहाँ पे एक ही केबल के थ्रू आपके सारी डिवाइसेस जो हैं वो कनेक्टेड हैं। इसके बाद अगला जो फायदा है वो है इजी इंस्टॉलेशन, के आसानी के साथ इंस्टॉल हो जाती है एज कम्पेयर टू द मैश टोपोलॉजी एज वेल एज द स्टार टोपोलॉजी। इसके बाद इसके भी कुछ डिसएडवांटेज हैं, उनमें जो सबसे अहम डिसएडवांटेज है वो है अ सिग्नल ट्रेवल लो, इट बिकम वीक एंड हीट। जैसे ही
हमारी जो इसकी लेंथ है केबल की, जिसके साथ ये सारे नोड्स कनेक्टेड हैं, इसकी जो अगर हम लेंथ को बढ़ाएंगे तो उसमें जो हमारा सिग्नल ट्रेवल करेगा, तो एज द लेंथ इज इंक्रीजिज द सिग्नल रेट इज डिक्रीजिज, आपका जो सिग्नल रेट है वो लो होता चला जाएगा, और जब वो लो होगा तो उससे आपकी केबल जो है वो हीट भी हो जाएगी और आपका जो सिग्नल है वो वीक हो जाएगा। तो ये एक डिसएडवांटेज है बस टोपोलॉजी को यूज करने का। इसके बाद दोस्तों हमारी जो अगली टोपोलॉजी है वो है रिंग टोपोलॉजी। अब रिंग टोपोलॉजी क्या है? अ रिंग नेटवर्क इज नेटवर्क टोपोलॉजी इन विच ईच नोड इज कनेक्टेड टू एग्जैक्टली टू अदर नोड, के हर जो नोड है वो आगे नोड के साथ कनेक्टेड होती है, फॉर्मिंग अ सिंगल कंटिन्यूअस पाथवे। इसमें एक ही रास्ता होता है कनेक्शन का फॉर अ सिंगल थ्रू ईच नोड अगली रो तक जाने के लिए, इसलिए इसको हम रिंग कहते हैं। डेटा ट्रैवल फ्रॉम नोड टू नोड, अब जो डेटा ट्रैवल करता है या कम्युनिकेट करता है वो नोड टू नोड करता है, विद ईच नोड अलॉन्ग विद द हैंडलिंग एवरी पैकेट, और फिर पैकेट की सूरत में हमारा जो डेटा है वो कम्युनिकेट करता है। अब रिंग टोपोलॉजी कैसी होती है, आप देखें यहाँ पे हमारे पास एक नोड है और उससे आगे सबसिक्वेंट एक नोड है, उसके बाद फिर एक नोड है, फिर एक नोड है, फिर एक नोड है, और वो पहली नोड के साथ कनेक्ट हो रही है। अब फॉर एग्जांपल ये हमारा कंप्यूटर ए है, ये कंप्यूटर बी है, ये कंप्यूटर सी है, ये कंप्यूटर डी है, और ये कंप्यूटर ई है। अगर कंप्यूटर ए ने कंप्यूटर डी को कोई मैसेज भेजना है तो उसे पहले मैसेज जो है वो कंप्यूटर बी को पास करना पड़ेगा, फिर कंप्यूटर सी को, और फिर वो कंप्यूटर डी तक पहुंचेगा। तो ये रिंग की सूरत में चलता रहेगा, इसलिए हम इसको रिंग टोपोलॉजी भी कहते हैं। दोस्तों अब जब हम रिंग टोपोलॉजी यूज करेंगे तो उसके भी कुछ सर्टन एडवांटेजेस हैं, वो आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहे हैं। उसमें जो पहला एडवांटेज है वो है इजी टू इंस्टॉल, कि इसको इंस्टॉल करना बिल्कुल आसान है। उसके बाद अगर हम इसके अंदर इजी टू रिमूव अ नोड, अगर हम इसमें से कोई नोड खत्म करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल हम ये बी नोड खत्म करना चाहते हैं, तो ये बी नोड हम खत्म कर देंगे तो ये जो कनेक्शन है वो डायरेक्ट इस नोड के साथ एज अ बी बन जाएगा। तो इसमें आसानी के साथ आप किसी भी नोड या डिवाइस को रिमूव भी कर सकते हो। इसके बाद इसके भी कुछ सर्टन डिसएडवांटेजेस हैं, उनमें जो पहला डिसएडवांटेज है वो है अ नोड इफ ब्रेक होल ट्रैफिक स्टॉप, अगर एक नोड है वो खराब होती है तो फिर पूरी की पूरी जो नेटवर्क है या जो टोपोलॉजी है उसकी जो वर्किंग है वो खत्म हो जाती है। इसके साथ दोस्तों हमारी जो है टोपोलॉजी खत्म हो जाती हैं, और अब वो वक्त आ गया है कि हम जो है अपने लेक्चर्स के साथ साथ कुछ एक्सरसाइजेस भी अटैच कर लें। तो दोस्तों आज का जो हमने लेक्चर पढ़ा है उसकी जो एक्सरसाइज है वो आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही है, आप जल्दी से इसे राइट डाउन कर लीजिए क्योंकि ये आज के लेक्चर से ही रिलेटेड है। इसमें हमें एक केस दिया गया है, वो केस क्या है, रजा सॉफ्टवेयर हाउस इज अ न्यू सॉफ्टवेयर हाउस। रजा सॉफ्टवेयर हाउस जो है वो एक नया सॉफ्टवेयर हाउस है, वर्क विद द फॉलोइंग डिपार्टमेंट, और उसके अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं जिसमें एडमिन डिपार्टमेंट है, एचआर डिपार्टमेंट है और फाइनेंस डिपार्टमेंट है। द सॉफ्टवेयर हैव परचेज 20 न्यू कंप्यूटर, और सॉफ्टवेयर हाउस ने जो है वो 20 नए कंप्यूटर परचेज किए हैं, एंड वॉन्ट्स टू इम्प्लीमेंट द टोपोलॉजी नेटवर्क इन देयर ऑफिस, और अपने ऑफिस के अंदर वो चाहते हैं कि हम एक नेटवर्क टोपोलॉजी बना लें। ईच ऑफिस हैव फॉलोइंग रिक्वायरमेंट, अब जो उनका हर ऑफिस या डिपार्टमेंट है उसकी कुछ रिक्वायरमेंट हैं, वो क्या हैं? एडमिन डिपार्टमेंट रिक्वायर कनेक्टिंग ऑल कंप्यूटर इन अ लीनियर फैशन, अब जो एडमिन डिपार्टमेंट है उनका जो है नेटवर्क वो इस टाइप का हो कि लीनियर होना चाहिए फैशन। HR डिपार्टमेंट wants to use सेंट्रली मैनेज नेटवर्क, और आपका जो HR डिपार्टमेंट है उसका सेंट्रली मैनेज होना चाहिए। फाइनेंस डिपार्टमेंट wants to use fast speed and high secure network without involving an interruption devices in place, और जो आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट है वो ये चाहता है कि आपका जो टोपोलॉजी यूज की जाए उसमें जो डाटा ट्रेवल है या जो कम्युनिकेशन है वो फास्ट होनी चाहिए, और आपका नेटवर्क जो है वो सिक्योर होना चाहिए विदाउट इन्वॉल्विंग एन इंटरमीडिएट डिवाइस हब की तरह, मतलब उसके अंदर कोई ऐसी चीज इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए। अब इसके अंदर क्या है रिक्वायरमेंट, आपने करना क्या है, नाउ यू हैव टू आइडेंटिफाई विच टोपोलॉजी इज बेस्ट फॉर विच डिपार्टमेंट, कि आपकी कौन सी टोपोलॉजी जो है वो कौन से डिपार्टमेंट के लिए बेस्ट है, एंड फाइंड आउट द नंबर ऑफ लिंक्स, और फिर आपने उसके नंबर ऑफ लिंक्स भी बताने हैं कि कितने उस टोपोलॉजी के नंबर ऑफ लिंक्स बनेंगे रिक्वायर्ड टू ईच डिपार्टमेंट हर डिपार्टमेंट के लिए। दोस्तों ये आपके सामने एक केस है, आपने बताना ये है कि कौन सी टोपोलॉजी किस डिपार्टमेंट के लिए होगी और उसके लिए हमें कितने नंबर ऑफ लिंक्स दरकार होंगे।
तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। हम इसको समराइज भी कर लेते हैं। आज की क्लास के अंदर हम लोगों ने नेटवर्क्स के ऊपर बात की है और उसमें हमने नेटवर्क टोपोलॉजीज को देखा है, जिसमें हमने मैश टोपोलॉजी को देखा है, जिसमें हमने स्टार टोपोलॉजी को देखा है, जिसमें हमने बफ टोपोलॉजी को देखा है, जिसमें हमने रिंग टोपोलॉजी को देखा है। हमने ना सिर्फ इन टोपोलॉजीज को देखा है बल्कि इनके जो प्रोज एंड कॉन्स हैं उनको भी साथ देखा है। दोस्तों हम आज की क्लास जो है अपनी यहीं पे खत्म करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को डेटा कम्युनिकेशन की समझ आ रही होगी और आप मेरी वीडियो से लुत्फानंदोज हो रहे होंगे, ना सिर्फ लुत्फ उठा रहे होंगे बल्कि सीख भी रहे होंगे। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हैं तो आप उन्हें लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट्स की सूरत में अपना फीडबैक दीजिए ताकि मैं और अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए बनाता रहूँ। और मेरा चैनल 24/7 टीचर्स ऑनलाइन सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके और आप उससे सीख सकें। दोस्तों मिलते हैं अगली डेटा कम्युनिकेशन की क्लास में। उस वक्त तक के लिए मोहसिन भाई को इजाजत दीजिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। अल्लाह हाफिज।